लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी अधूरा है। हालांकि डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा या नहीं, इस पर अभी तक सरकार की ओर से कुछ कहा नहीं गया है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार का नाम भले ही तय नहीं हुआ, लेकिन यूपी के अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर पद की रेस में सबसे आगे है। दरअसल डिप्टी स्पीकर पद के लिए अवधेश प्रसाद के नाम का प्रस्ताव सबसे पहले टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया था और आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन कर दिया है। दलित समुदाय से आने वाले अवधेश के नाम का प्रस्ताव पेश कर ममता ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। कैसे, बताता हूँ। दरअसल ममता ने आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उनका गठबंधन को पूरा समर्थन है। इस बार के लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और नेता प्रतिपक्ष का अहम पद भी अब कांग्रेस के ही पास है। वहीं समाजवादी पार्टी सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर है विपक्ष में। ऐसे में विपक्ष में कांग्रेस के दबदबे को चैलेंज करने के लिए ममता ने अखिलेश के पहले बार के सांसद अवधेश प्रसाद के नाम को डिप्टी स्पीकर के लिए आगे कर दिया। अगर डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है तो कांग्रेस चाहकर भी अवधेश पासी के नाम का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि लोकसभा में अवधेश राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं और अपने भाषण में राहुल कई बार अवधेश का जिक्र भी कर चुके हैं। डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपने नाम के चर्चा में आने के बाद अवधेश प्रसाद ने क्या कहा, बताते हैं। अवधेश ने कहा, मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, डिप्टी स्पीकर की बात मीडिया से सुनने को मिली है। लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूँ, सारी जिम्मेदारियों को निभाया है। यानी अवधेश प्रसाद ने भी शब्दों को घुमाते हुए ये कह दिया कि अगर उन्हें पद मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी जरूर संभालेंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। आपको बता दें कि संसदीय परंपरा के मुताबिक विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलता रहा है, हालांकि पिछली यानी 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा रहा था। वहीं 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के समय AIADMK के एम थंबुदुरई डिप्टी स्पीकर थे। अब देखना ये होगा कि 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी या पिछली बार की तरह ये पद इस बार भी खाली रह जाएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए बीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।